हेलो फ्रेंड्स, ई शिक्षा विश्वरो प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं शुभम सिंह, आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो आज हम लोग परसेंटेज के आगे से प्रोसीड करेंगे। कल हम लोगों ने कुछ परसेंटेज के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व किया और हमने दो तीन तरीके समझे कि परसेंटेज के क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, जिसमें से सेकेंड और थर्ड मेथड को आप लोग वरीयता दीजिएगा सॉल्व करने के लिए। उसमें से खासतौर से थर्ड मेथड सबसे आसान, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा और प्रीशियस मेथड है, जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे, क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए कुछ और एग्जांपलों को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल है किसी वस्तु के दाम का मान 20% बढ़ाने पर, किसी वस्तु के दाम का मान 20% बढ़ाने पर ₹14,400 हो जाता है। तो वस्तु का वास्तविक दाम क्या है? तो वस्तु का वास्तविक दाम पूछ रहा है कि फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज को अपना फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज को फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो लिखा हुआ है 20%। 20% को फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हमने आपको बताया था कि परसेंटेज से 100 में डिवाइड कर देते हैं। जो संख्या हमारी बचती है वही क्या होती है, फैक्टर होती है। फिर हमने आपको बताया था कि जो हर की वैल्यू होती है वही मूल मान या वास्तविक मान होता है। तो लिख लेते हैं, यह क्या है, वास्तविक मान है। यह वृद्धि और कमी को दिखाता है। चूँकि क्वेश्चन में हमारे दाम के मान में 20% वृद्धि है, अर्थात इसको हम वृद्धि कंसीडर करते हैं। अगर वास्तविक मान 5 के बराबर है, वृद्धि हमारी 1 के बराबर है, तो नया मान कितना हो जाएगा। यहाँ से नया मान हम लिख सकते हैं 5+1 अर्थात 6। अब हमको क्वेश्चन में देखना है कि हमको डाटा 5 का दिया है या 6 का दिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु के दाम का मान 20% बढ़ाने पर ₹14,400 हो जाता है, अर्थात बढ़ा हुआ मान दिया हुआ। बढ़ा हुआ मान मतलब नया मान, वृद्धि के बाद का मान दिया हुआ है ₹14,400। अर्थात ₹14,400 किसके इक्विवेलेंट होगा, इस 6 यूनिट के इक्विवेलेंट होगा। तो हम लोग लिखते हैं 6 के बराबर है कितना, 14,400। हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वस्तु के वास्तविक दाम अर्थात 5 यूनिट की। तो 5 यूनिट के बराबर क्या होगा, तो हमने आपको बताया था एक नियम से 14,400 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का भाग देते हैं। तो 6 से इसको काटने का प्रयास करते हैं, 6 × 12 2 × 4 6 × 4=24 20 उसके बाद 00 5 × 20 2 5 × 10 2 12 अर्थात उस वस्तु का वास्तविक दाम ₹12,000 आएगा। इस हमारे क्वेश्चन का यही क्या होगा, आंसर होगा। फिर से ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले परसेंटेज को फैक्टर में कन्वर्ट करिए। उसके बाद जब फैक्टर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमने आपको बताया था कि हर की वैल्यू वास्तविक मान होती है, अंश की वैल्यू या तो वृद्धि होती है या तो कमी होती है। तो क्वेश्चन में हमारी वृद्धि है अर्थात अंश मेरा वृद्धि में है। अब देखते हैं कि कह रहा है कि बढ़े हुए मान का दाम दिया हुआ है ₹14,400। तो इस फैक्टर के हिसाब से
नया मान अर्थात बढ़ा हुआ मान 6 यूनिट के बराबर है, इसलिए हम 6 को 14,400 के बराबर कंपेयर कर दिए। अब हमको वास्तविक मान निकालना है, वास्तविक मान 5 यूनिट के बराबर है। तो एक ही के नियम से अगर 6 का मान इतना है तो 5 का मान कितना होगा, हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, 12,000 रुपये आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कोई भी हो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर कह रहा है कि दाम किसी वस्तु के दाम में 9 सही 1/11% की वृद्धि करने पे 9 सही 1/11% चेंज हो गया है, कह रहा है 9 सही 1/11% की वृद्धि करने पे उसका दाम कितना हो जाता है, 42,396 हो जाता है। लिख लेते हैं 42,396 रुपये हो जाता है। तो वस्तु का वास्तविक दाम बताइए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग फैक्टर को क्या करेंगे, सॉरी परसेंटेज को फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। हमने आपको बताया था 1/2 से 1/12-13 तक की वैल्यू का आपने हमने आपको बताया था, तो वहाँ से हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि 9 सही 1/11% दिया हुआ है तो उसका फैक्टर क्या होगा, 1/11। अगर मान लीजिए बाई डिफ़ॉल्ट अगर नहीं भी याद है तो आप लोग क्या करेंगे, जो परसेंटेज दिया होगा उस परसेंटेज को अगर 100 से भाग दे देंगे तो हमारा फैक्टर आ जाएगा। तो चूंकि ये फैक्टर हमने याद किया था कि अगर 9 सही 1/11% दिया हुआ है तो उसका फैक्टर क्या होगा, 1/11। हमने आपको बताया हर की वैल्यू क्या होती है, यह वास्तविक मान होता है, और अंश की वैल्यू या तो वृद्धि या तो कमी जो क्वेश्चन में दिया हो, चूँकि लिखा है बढ़ाने पर अर्थात ये वृद्धि वाला मान है। तो अगर 11 वास्तविक मान है उसमें एक की वृद्धि होती है तो आपका नया मान कितना होगा, नया मान अर्थात 11+1=12। अब हमको ध्यान देना है कि किसकी वैल्यू दी हुई है, वास्तविक मान की कि बढ़े हुए मान की। क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 सही 1/11% बढ़ाने पर 42,396 रुपये होता है, अर्थात ये हमारे नए मान की वैल्यू दिया हुआ है, अर्थात 12 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। तो लिखते हैं, चूँकि 12 वैल्यू इक्विवेलेंट है किसके, 42,396 के, तो हमको वस्तु का वास्तविक दाम निकालना है। वास्तविक दाम 11 यूनिट के बराबर है तो 11 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 42,396 × 11 12 से 96 को काटते हैं तो 12 × 2=24, 12 × 3=36 और 6 × 3=63 अर्थात 12 × 5=60, 3 × 9=39, 12 × 3=36, 3 × 6=36, 12 × 3=36 × 11 × 33 के 3 हासिल 3, 11 × 3=33, 3 × 36 हासिल 3, 11 × 5=55, 55 × 3=58 हासिल 5, 11 × 3=33, 33 × 5=38 अर्थात हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि अगर वस्तु का दाम में 9 सही 1/11% की वृद्धि कर दी जाए और वृद्धि अर्थात बढ़ा हुआ मान 42,396 रुपये है तो उस वस्तु का वास्तविक मान कितना होगा, 38,863 रुपये। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर वस्तु का वास्तविक दाम 38,863 रुपये है, अगर उस वस्तु के दाम में 9 सही 1/11% की वृद्धि कर दी जाए तो वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 42,396 रुपये हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल और करते हैं। आपको कंपटीशन में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, बस आपको क्या करना है, डाटा को चेंज हो जाएगा, आप अपने कंसेप्ट को चेंज मत करिएगा, अपने कंसेप्ट पे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है 11 सही 1/9% की वृद्धि करने पर, 11 सही 1/9% की वृद्धि करने पर दाम कितना हो जाता है, 24,500 रुपये हो जाता है, 24,500 रुपये हो जाता है। तो वस्तु का वास्तविक दाम बताइए। आइए परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं। 11 सही 1/9% को हम डायरेक्ट जानते हैं कि क्या लिख सकते हैं, 1/9। 9 हमारा मूल मान है, 1 हमारा वृद्धि का मान है, ठीक लिख लेते हैं, 9 हमारा
वास्तविक मान, एक हमारा बढ़ा हुआ मान है। तो नया मान क्या होगा, 9 में 1 को ऐड कर देंगे, नया मान हमारा 10 के इक्विवेलेंट होगा। क्वेश्चन में कह रहा है बढ़ाने पर 24,500 रुपये हो जाता है। अगर बढ़ाने पर 24,500 रुपये हो जाता है, इसका मतलब ये किसके इक्विवेलेंट है, 10 के इक्विवेलेंट है। अर्थात ये हमारी जो वैल्यू है 10 के इक्विवेलेंट है, अर्थात 10 की वैल्यू दिया हुआ है 24,500 रुपये। और पूछ किसका रहा है, वस्तु का वास्तविक दाम अर्थात 9 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 9 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या करेंगे 24,500 में मल्टीप्लाई कर देंगे 9 का और डिवाइड कर देंगे 10 का, 10 से 10 कटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 0 9 0, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 4 36, 4 40 के 0 हासिल 4, 9 2 18 4 22, अर्थात 22,050 रुपये। तो आप क्या कह सकते हैं कि वस्तु का वास्तविक दाम 22,050 रुपये है। आइए एक दो क्वेश्चन घटाने वाले पे कर लेते हैं। परसेंटेज को जब घटाते हैं तो क्या होता है, लगातार अभी हम लोगों ने वृद्धि वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं घटाने वाले पे। अगर हम क्या करें, 6 सही 2 बटे 3% घटाने पर 5,670 प्राप्त होता है, 5,670 रुपये क्या होता है, हो जाता है, तो वस्तु का वास्तविक दाम बताइए। आप क्या करेंगे, फिर वही पुराना फंडा, अपने परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे फैक्टर में। 6 सही 2 बटे 3% है, आपको आइडिया नहीं लग रही है डायरेक्ट सॉल्व करने का, तो आप क्या करिए, परसेंटेज से 100 में डिवाइड करिए। तो 6 3 18 2 20, 20 बटे 3% लिख सकते हैं। अब इस परसेंट को फैक्टर में कन्वर्ट कर लिए, हमने आपको बताया था कि पूरे संख्या में 100 से भाग दे देते हैं, बटे 3 होल डिवाइडेड बाई 100, तो 20 को हमने काटा, 20 25 100, अर्थात क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 15। अब यहाँ पे हमारा 15 क्या होगा, वास्तविक मान हो जाएगा, 15 हमारा वास्तविक मान। और ये हमारे चूँकि क्वेश्चन में लिखा है घटाने पर, अर्थात ये कमी हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब नया मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नया मान क्या होगा, वास्तविक मान 15 है। अब चूंकि हमारे यहाँ पर 1 यूनिट की कमी हो रही है, तो हम अपने नए मान में क्या करेंगे, वास्तविक मान में 1 की क्या करेंगे, कमी कर देंगे, अर्थात 15 में से 1 गया 14। अब हमको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में 15 की वैल्यू दिया हुआ है या 14 की वैल्यू है। लिखा क्वेश्चन में 6 सही 2 बटे 3% घटाने पर अर्थात घटे हुए मान की वैल्यू दिया है, अर्थात 15 में से 1 घटाने पे जो 14 आया, इसके इक्विवेलेंट है क्या, ये हमारा मान 5,670 रुपये। ध्यान दीजिएगा, लिखा है इतना परसेंट घटाने पे इतना हो जाता है, अर्थात नए मान की वैल्यू दिया हुआ है, तो हमारा नया मान कितने किसके इक्विवेलेंट है, 14 के इक्विवेलेंट है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 14 के बराबर हमारा क्या है, 5,670 है। तो अगर 14 के बराबर 5,670 है, तो क्वेश्चन में कह रहा है वास्तविक दाम बताइए, वास्तविक दाम कितने इक्विवेलेंट है, 15 के बराबर है, 15 की वैल्यू निकाल लीजिए, 5,670 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 14, 14 से काटिए, 14 28 14 42 14 4 42 14 4 56 14 25 70, अर्थात 405 मल्टीप्लाई बाई 15, अर्थात 15 25 75 और 15 4 60, 6,075 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा, उस वस्तु का वास्तविक मान हो जाएगा। फिर से ध्यान से देखिए, इसमें अंतर क्या है पिछले क्वेश्चन से, कि हमारी वस्तु के दाम में कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी हो रही है। 6 सही 2 बटे 3% घटाने पर इतना हो जाता है, अर्थात ये घटा हुआ मान है। हमको क्या निकालना है, वास्तविक मान निकालना है। तो हम परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं फैक्टर में। हमने आपको बताया कि अगर परसेंटेज पकड़ में आता है तब तुरंत फैक्टर लिखिए, अगर पकड़ में नहीं आता है तो परसेंटेज में 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
जब डिवाइड करेंगे तो हमारा फैक्टर निकल के आ जाएगा। हमने कहा कि हर की वैल्यू वास्तविक मान के बराबर होती है, अंश की वैल्यू कमी या वृद्धि के बराबर होती है जो क्वेश्चन में दिया हो। चूंकि हमारे क्वेश्चन में कह रहा है इतना परसेंट घटाने पर, अर्थात ये कमी की वैल्यू दिया हुआ है। फिर हमने आपको बताया था कि नया मान निकालना है। नया मान कैसे निकालते हैं? वास्तविक मान में से वृद्धि होती है तो जोड़ते हैं, कमी होती है तो घटाते हैं। चूंकि यहाँ पे कमी हो रही इसलिए वास्तविक सॉरी नया मान क्या होगा? वास्तविक मान में से कमी को घटाने के बाद जो आंसर आएगा अर्थात 14। क्वेश्चन में दिया हुआ घटाने पर इतना हो जाता है अर्थात नया मान की वैल्यू। नया मान की वैल्यू क्यों? क्योंकि ये वास्तविक मान में से कमी करने पे निकला है। अब 14 ही अगर इसके बराबर है तो 15 का मान वास्तविक मान निकालना है। वास्तविक मान 15 की यूनिट के बराबर है, नया मान हमारा एक एक नियम से सॉल्व करेंगे 6,075 रुपये आंसर आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल और करते हैं। अगला न्यूमेरिकल है, अगर कह रहा है कि दाम में 11 सही 1/9% की वृद्धि की जाए। वृद्धि वाला क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी संख्या में होने पर यानी कि वृद्धि हो जाती है तो ठीक। फ्रेश क्वेश्चन है, किसी संख्या में 640 जोड़ने पर किसी संख्या में 640 जोड़ने पर 12 सही 1/2 की वृद्धि हो जाती है। 12 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है तो वह संख्या वास्तविक रूप में क्या थी? अब देखिए क्या करेंगे, कह रहा है कि किसी संख्या में अगर 640 जोड़ने पर इतने परसेंट की वृद्धि हो जाती है। सबसे पहले परसेंटेज को फैक्टर में कन्वर्ट किया जाए तो 12 सही 1/2% है, फैक्टर में कैसे कन्वर्ट होगा? 12 × 2 = 24, 1 25/2%। 25/2% है तो क्या करेंगे, 25/2 को फैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो 25 × 100 अर्थात 1/8। यह हमारा क्या होगा, वास्तविक मान अर्थात मूल मान। यह हमारा इतने की वृद्धि होती है तो ये हमारा वृद्धि अर्थात बढ़ा हुआ मान। अब ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है कि किसी संख्या में 640 जोड़ने पर 12.5% की वृद्धि होती है। 640 जब जोड़ते हैं तो 12.5% की वृद्धि होती है अर्थात वृद्धि कितने की हो रही है, एक यूनिट के बराबर होती है। अर्थात थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, एक यूनिट किसके बराबर दिया है, 640 के बराबर दिया। बस आपको यही थोड़ा सा समझना, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या में 640 जोड़ने पर 12.5% की वृद्धि हो रही है अर्थात 8 में 1 की वृद्धि हो रही है, 8 में 1 की वृद्धि हो रही है। और यहाँ पे कह रहा है कि 12.5% की वृद्धि हो रही है कितना, 640 जोड़ने पर। अर्थात अगर मेरा फैक्टर 1/8 हो और 8 कोई वास्तविक मान हो, हमको मालूम नहीं कितना वास्तविक मान है, अगर 8 कोई वास्तविक मान हो तो अगर 8 में 1 की वृद्धि होती है तो उतने के बराबर होगी जितना 640 होता है। अर्थात हमारा 1 की वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है 640, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हमारा 1 का वैल्यू दिया हुआ है 640 तो हमारा पूछ रहा है कि वास्तविक रूप में संख्या क्या थी, अर्थात हमारे 8 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 8 की वैल्यू क्या होगा, अगर 1 की वैल्यू 640 है तो 8 की वैल्यू 640 × 8 अर्थात 8 × 32 = 2 = 3, 8 × 48 = 3 = 51 अर्थात वह संख्या 51,020 होगी। ये हमारा आंसर होगा। फिर से ध्यान से दीजिएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या में अगर 640 जोड़ेंगे तो 12.5% की वृद्धि होगी अर्थात
और फैक्टर के हिसाब से हमारी वृद्धि 8 में 1 की हो रही है, अर्थात 8 वास्तविक माना 1 वृद्धि होती है। तो कह रहा है अगर इतने जोड़ दे तो इतने परसेंट की वृद्धि होती है, यहाँ हमारी वृद्धि 1 की हो रही है, इसका मतलब 1 इक्विवेलेंट है किसके, 640 के, क्योंकि यही 640 जोड़ते हैं तभी तो 12.5% की वृद्धि हो रही है। और यहाँ पे हमने निकाला कि वृद्धि 1 की हो रही है, किस में, 8 में 1 की वृद्धि हो रही है, अर्थात 1 जो है वही 1 जो है हमारा 640 के बराबर है। अगर हमारा 1 640 के बराबर है तो कह रहा है वास्तविक रूप से संख्या क्या थी, वास्तविक मान तो हमारा 8 के इक्विवेलेंट है, अगर 1 की वैल्यू मालूम है तो 8 की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन बस आपको माइन्यूट तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है कि डाटा क्या दिया हुआ है, बाकी स्टेप आपको मालूम है कि स्टेप कैसे करते हैं। किसी संख्या के 65% और उसके 3/5 में 150 का अंतर है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी संख्या के 65% और उसके 3/5 में 150 का अंतर है, तो वह संख्या ज्ञात करें। फिर से क्या करेंगे, फिर से हम लोग फैक्टर, या तो दोनों को फैक्टर में कन्वर्ट करें या तो दोनों को संख्या में कन्वर्ट करें। तो काम करते हैं कि 3/5 को देखते हैं कितना परसेंट होता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि किसी संख्या के 65% और उसके 3/5, अर्थात हमको नहीं मालूम है कि 3/5 उस संख्या का कितना परसेंट बन सकता है। तो हमने आपको क्या बताया था, संख्या को फैक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और परसेंटेज को संख्या में। तो देखते हैं कि 3/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 20 अर्थात 20 60, ये क्या हो जाएगा, अर्थात हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाहता था इनडायरेक्टली, किसी भी संख्या का 65% और उसके 60% के बीच अंतर कितने का है, 150 का। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, हमने निकाला कि उसका 3/5 अर्थात किसी संख्या का 3/5 कितना परसेंट होता है, 60% होता है। तो हमको कहा है कि 60% और 65% के बीच का अंतर कितने का है, 150 अंक का है, 150 का है। अब कह रहा है कि वो संख्या ज्ञात करिए, अगर 60 और 65% के बीच 150 अंक का अंतर है तो संख्या बताइए, अर्थात हमारे कितने परसेंट का अंतर है, 5% का अंतर है। ध्यान दीजिएगा, तो अगर हमारा 5% का अंतर दिया हुआ है 150 का, हमने आपको बताया था किसी भी संख्या का पूर्ण मान उसके 100% के बराबर होता है। तो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि अगर संख्या का 5% 150 के बराबर है तो वह संख्या कितनी होगी, अर्थात वह संख्या कितनी होती है, संख्या अपने पूर्ण मान में 100% के बराबर होती है, अर्थात पूछ रहा है 100% की वैल्यू बताइए। तो क्या करेंगे, अगर 5 की वैल्यू 150 है तो 100 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 3 15 0 3 1 2 3 अर्थात 3000, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हल्का सा घुमाया है, कह रहा है कि किसी संख्या के 65% और उसके 3/5 में 150 का अंतर है। तो सबसे पहले हम निकालना चाहेंगे कि अगर किसी संख्या का 3/5 हिस्सा होता है तो कितने परसेंट के बराबर होता है। तो हमने आपको संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बताया, क्या करते हैं संख्या को कन्वर्ट करने के लिए, उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3/5 में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो निकल गया हमारा 60%। अब देखिए, अब हमारा परसेंटेज दोनों में डिफरेंस पता चल गया, कह रहा है कि 65% और 60%, देखिए 65% और 60% इन्हीं के बीच का डिफरेंस कितना है, 150 के बराबर है, और इन दोनों के बीच गैप कितने का है, 5 यूनिट का गैप है, अर्थात 5% का गैप है। हमको पता चल गया कि 5% की वैल्यू 150 के बराबर है, तो
रहा है कि संख्या बताइए, संख्या अर्थात वह पूर्ण मान बताइए। पूर्ण मान कब होगा? जब परसेंटेज 100 के बराबर होगा। अर्थात अगर 5% का वैल्यू 150 तो 100% की वैल्यू, सीधे हम लोग एक एक नियम से क्या करेंगे, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, अर्थात वह संख्या कितनी होगी, वह अंक हमारा 3000 होगा। इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे से प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद।